Hello students, welcome again in business study class. In today's class we are going to start our next topic of unit 6. यानी आज की वीडियो में भी हम कौन सी यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा? स्टाफिंग. स्टाफिंग यूनिट 6, दैट इज मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ, यानी कौन सा फंक्शन है बेटा हमारा मैनेजमेंट का? फोर्थ फंक्शन. ठीक है, इसके अंदर हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था बेटा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, फिलिंग द वैकेंट पोस्ट. यानी हमारे जो मैनेजमेंट का वर्क है बेटा, हमने स्टार्टिंग में उसको प्लान कर लिया, कौन से स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइज कर लिया. आफ्टर ऑर्गेनाइज वी नीड टू फिल द वैकेंट, और जो भी हमने सेट किए हैं उन पोस्ट को किससे? बाय ह्यूमन बीइंग. तो वो हमारी स्टाफिंग कहलाती है. स्टाफिंग के फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस वी आर ऑलरेडी लर्नड. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टाफिंग प्रोसेस. यानी एज ए एच आर मैनेजर, इससे पहले बेटा आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. आपकी ये जो टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ CBSE इट हैज़ बीन डिलीटेड. HRM का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये जो आपका जो स्टाफिंग वर्क है बेटा, ये एक हमारी क्या थी, इसका जो इवोल्यूशन हुआ था, दे आर गोइंग इन 3 or 5 स्टेजेस. सबसे पहले जैसे हमारा क्या था बेटा, आपकी यूनियन लीडर्स हुआ करते. यानी हमारे स्टार्टिंग में यूनियन लीडर की जो स्टेज थी वो उस टाइम थी कि वो पूरे स्टाफ को हैंडल करते थे. रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड सजेशन गिवन बाय द यूनियन लीडर, दे आर द मीडिएटर बिटवीन द टॉप लेवल एंड आपका क्या बेटा लोअर लेवल. इसके बाद हमारी जो स्टेज आई वो आई पर्सनल डिपार्टमेंट की भी. जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें अलग अलग पर्सनल डिपार्टमेंट बनने लग गए. लेकिन नाउ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा जो साइज़ होता है, इट हैज़ बीन गोइंग, वो कहते हैं बहुत बड़े लेवल पे. Now it is not enough to make personal department. Now there are different management branches. और उस मैनेजमेंट डिफरेंट ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसमें स्टाफिंग की इन्वॉल्व होती ही होती है, उसके अलावा जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस है, वो अदर जितने भी हमारे वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं. अब लेकिन ये हमारा जो टॉपिक है, जो डिटेल जो इसका टॉपिक है बेटा, ये आपके CBSE के जो एग्ज़ाम्स में कवर नहीं होगा. स्टाफिंग प्रोसेस जो है, प्रोसेस का मतलब क्या है? सबसे पहले प्रोसेस का मतलब है सीक्वेंस ऑफ वर्क. सीक्वेंस ऑफ वर्क, स्टाफिंग करने की जो वर्क की सीक्वेंस है, स्टेप्स है बेटा, वो हमारे स्टाफिंग प्रोसेस कहलाती है. और इसमें ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से आपकी केस स्टडीज़ क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट के. जो मोस्टली जो क्वेश्चंस है, इट्स कम्स फ्रॉम द स्टाफिंग प्रोसेस. ठीक है, अब सबसे पहले आपकी स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स हैं बेटा. टोटल कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. नाउ इन फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. इसका मतलब क्या है कि जब मान लो स्टाफिंग का मतलब मैंने बताया था क्या, फिलिंग द वैकेंट पोस्ट. तो इस वैकेंट पोस्ट को एक कॉम्पिटिटिव पर्सन से फिल करने का जो काम है बेटा, वो इन स्टेप से आपका कंप्लीट होगा. सबसे पहले आपको वैकेंट पोस्ट आइडेंटिफाई करनी है, कौन से लेवल पे, कौन सी आपके डेजिग्नेशन पे, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. यानी सबसे पहले हम अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो वैकेंट पोस्ट हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे. हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी इम्प्लॉयज़ वी नीड इन दिस लेवल. कितने मैनेजर्स, कितने सुबोर्डिनेट्स, कितने वर्कर्स, इन हर लेवल में कितने रिक्वायरमेंट्स हैं. यानी इन फर्स्ट स्टेप एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट मीन्स क्या है? वी नीड रिक्वायरमेंट नंबर. यानी हमें नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट की सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, कहाँ 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 में पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं. देन इस आफ्टर रिक्वायरमेंट वी नीड टू रिक्रूट. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? यानी रिक्रूटमेंट का मतलब है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड. यानी कि हमारे पास रिक्रूटमेंट का मतलब बेटा आइडेंटिफाई द सोर्सेस. हमें सोर्सेज का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, हमें प्रमोट करके, ट्रांसफ़र करके जो वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं कि वी नीड क्या बेटा एक्सटर्नल सोर्स. यानी हमें न्यू आपकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी. यानी दीज आर डिफरेंट सोर्सेज स्टडीड इन द सेकंड स्टेप, दैट इज़ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब छटनी. यानी आपको आइडेंटिफिकेशन, आपको न्यू और ओल्ड के बेसिस पे हमें रिक्रूट करने, भर्ती करने जो हमारी वैकेंट पोस्ट रिक्वायर्ड हुई हैं. आफ्टर रिक्रूटमेंट यानी आपने
आइडेंटिफाई कर लिया भी 8 जो व्यक्ति हैं वो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस में एक्स्ट्रा हैं, उनको ट्रांसफ़र और प्रमोट करके वैकेंट पोस्ट को हम फिल कर सकते हैं। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट स्टेप 15 हमारी रिक्वायरमेंट हुई थी, 8 अगर हमारे इंटरनल सोर्स से हैं तो इसका मतलब 7 हमें बाहर से लेने हैं। तो ये जो स्टेप है इसमें ये जो डिसाइड है किसमें करेंगे, रिक्रूटमेंट में। अब जो बाहर से सिलेक्शन होनी है, ठीक है, वो हमारा थर्ड स्टेप है सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्शन का मतलब है सेलेक्ट द कॉम्पिटेड पर्सन, यानी आपके वैकेंट जो पोस्ट है उनके लिए एक कैपेबल एफिशिएंट जो पर्सन को सेलेक्ट करना, उस सिलेक्शन में इंटरव्यू, टेस्ट, बैकग्राउंड चेकिंग, रेफरेंस नंबर, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। यानी सिलेक्शन के बाद यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड 7 पर्सन, आफ्टर सिलेक्शन जो नेक्स्ट स्टेप है था वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, प्लेसमेंट का मतलब था ज्वाइन द पोस्ट का मतलब है जो आपने 7 पर्सन आपने सेलेक्ट किए हैं इस प्रोसेस स्टेप के अंदर, अब आपको उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से उनको ज्वाइन करना, किस व्यक्ति को किसकी कैपेबिलिटी और एफिशिएंटली कितना जो उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उनको मैच करना किस में होता है बेटा, प्लेसमेंट में। ओरिएंटेशन का मतलब है इंट्रोड्यूस, ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना एम्प्लॉई से, एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनका इंट्रैक्शन, उनको फर्स्ट टाइम, यानी जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं दे नीड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनको उन अपने काम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने कलीग से, अपने इन्वायरमेंट से उनको डिड्यूस करने की जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। देन नेक्स्ट वन बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओरिएंटेशन के बाद ख़त्म नहीं हो जाता काम आपका, नाउ यू नीड टू ट्रेन, आपको उनको ट्रेन करना है, उनको वर्क को एफिशिएंटली तरीके से, हमारी जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए वी नीड रेगुलर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी आपके डिफरेंट मेथड्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वर्क में जो आपके आपके क्या बेटा सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं आपके, ये सारे जो आपके मेथड्स हैं वो यूज़ करेंगे ट्रेनिंग। और आप ये ट्रेनिंग से उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है बेटा आपका जो पर्सन है वो क्या होंगे बेटा, डेवलप्ड होंगे, उनकी एफिशिएंसी और उनका मोरल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, दे मेक मोर एफिशिएंट इन वर्क। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। इस स्टेप के बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इट मीन्स क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जब वो काम लग जाएंगे, आपने उनको ट्रेन कर दिया, डेवलप हो गए, नाउ दे आर वर्किंग, तो वर्किंग का मतलब ये नहीं कि अब उनका मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो गया। आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं, जो न्यू एम्प्लॉई था, उनको रेगुलर हमें क्या करना पड़ता है, मॉनिटर और ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसकी बेस पे उनकी परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम अप्रेज करते हैं, उनको उनको उसी के बेस पे आगे प्रमोशंस हैं, उनकी जो करियर प्लानिंग है इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे होती है। यानी परफॉर्मेंस की चेकिंग के तौर पे कि आपका इसके बेस पे आपको दिया जाता है एक्सेलेंट वर्क, वेरी गुड, गुड, दीज वर्डिंग आपका, इसके अकॉर्डिंग आपके क्या होती है बेटा, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। और इसी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के बेस पे जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ क्या बेटा, आपकी प्रमोशन एंड कैरियर प्लान। जिसका काम अच्छा है, ए ग्रेड का है, बहुत अच्छे अपने एफिशिएंटली तरीके से काम करता है बेटा, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो बेटा आपकी क्या है एफिशिएंटली जो तरीके से जो उसकी यूटिलाइजेशन है उसके टाइम की और उसके एक्सपीरियंस की, उस बेस पे उन एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है बेटा, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, आप उनको उनके स्टेटस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैरियर प्लानिंग का, उनको डिफरेंट आगे कैटेगरीज में आगे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हो, उनको अलग अलग फैसिलिटी इनिशिएटिव देते हो, उसमें आपके क्या आती है आपकी, हमारे आती प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग के अंदर उनको उनके परफॉर्मेंस के बेस में उनको आगे उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए आप अपॉर्चुनिटीज देते हो, उनको लावर्स, उनकी रिकॉग्निशन के लिए आप ट्रेन उनको क्या देते हो बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कैरियर प्लानिंग के लिए। जैसे बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज देना, आपको उनको अलग से डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स देना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना वो आगे बढ़ने की, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके स्टेप के अंदर इंक्लूड होती है। लास्ट स्टेप दैट इज़ कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर कोल्ड, यानी जो सैलरी है, बोनस है, आपके अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, ये सारे कंपनसेशन में आएंगे। यानी आपकी जो वर्क है बेटा, वर्क ओरिएंटेड आपकी जो होती है बेटा, उसके बेस पे हर ऑर्गेनाइजेशन की कंपनसेशन के डिफरेंट मेथड। कंपनसेशन का मतलब है फाइनेंशियली भी कंपनसेशन होते हैं बेटा, नॉन फाइनेंशियली भी। जैसे अगर आपको क्लर्क, एक आपने क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर बन गए नॉन फाइनेंशियली, लेकिन आपकी क्यों, क्योंकि आपका होता है बेटा डेजिग्नेशन इंक्रीज हो गया।
आपको आपकी प्रॉफिट ज़्यादा कमाने से आपको प्रॉफिट के ऊपर क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। यानी फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव विच इज़ गिवन बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉई, किस चीज़ के लिए, फॉर मोटिवेटिंग एंड इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज़ की मोरल यानी आपके उनका मनोबल और उनके क्या बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, आपकी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस विच आर इंक्लूडिंग इन स्टाफिंग प्रोसेस। दोबारा बताती हूँ बेटा, फर्स्ट क्या है बेटा आपकी, एस्टिमेटिंग द मैन पावर। सेकेंड रिक्रूटमेंट एंड आइडेंटिफाई द, हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट करनी है जो आपने आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स। देन सेलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, सेलेक्ट द कॉम्पिटेटिव एंड एफिशिएंट पर्सन। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इट मींस क्या है, उनको उनकी ज्वाइन जॉब के साथ उसके जजिंग के साथ मैच करना और उनको इंट्रोड्यूस करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मैथड्स। परफॉर्मेंस अप्रोच में मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग ऑफ द जो परफॉर्मेंस है आपकी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल गिव प्रमोशन, गिव अपॉर्चुनिटीज। देन लास्ट वन, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू मोटिवेट एंड इंक्रीज द एफिशियंट वर्क। दिस इज द स्टाफिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कंप्लीट वैल्यू बेस्ड और केस स्टडी क्वेश्चन ऑल्सो बेटा, क्योंकि CBSE में स्टाफिंग यूनिट में से आपका मोस्टली हमारे ऐसे बहुत रेयर चांस है कि इसमें से CBSE में हर साल आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, नाउ प्रिपेयर द टॉपिक फ्रॉम वीडियो।